आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत। चलिए देखते हैं कौन सी है आज की तमाम बड़ी खबरें। कैबिनेट मंत्री माननीय श्रीमती रेखा आर्य जी आज पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण उत्तरी केंद्र देहरादून व माटी संस्थान के साथ बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन के सहयोग से भारतीय प्राणी स्थल देहरादून में आज भारत की आज़ादी के 75 वर्ष को मनाने के लिए कार्यक्रम योग दिवस 2022 जिसकी थीम मानवता के लिए योग है में शामिल हुई। योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर निश्चित रूप से पूरे विश्व भर में जो है आज योगा को लेकर एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति तक उसको उन क्रियाओं को वो करने का काम करता है। और गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हमको ये दिन देखने को मिला है और यह भी जानने को मिला है कि अपने आप को बगैर पैसे से कैसे अपने आप को जो है फिट रखा जा सकता है, स्वस्थ रखा जा सकता है। अपने जीवन को आगे हमें सुगम बनाना है तो सबसे पहला जो है शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की बहुत आवश्यकता होती है, जिसे योग के माध्यम से किया जाता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो मैं सबको बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और आज ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सभागार में आज ये आयोजन हुआ है योगा का, जिसमें संबंधित वहाँ के कर्मचारी अधिकारी के अलावा हमारे सिविलियंस, हमारे स्लम से आए बच्चे सभी ने प्रतिभाग किया है। और निश्चित रूप से योगा के माध्यम से विभिन्न मुद्राएं सीखते हुए अपने जीवन में उसको अपनाने का भी काम करेंगे और निश्चित रूप से एक हम जो स्वस्थ भारत की कल्पना करते हैं वो इससे पूर्ण होते हुए हम देखते हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड खबर।